आज हम आपको इश्क सुभान अल्लाह के सेट पर लेकर चलते हैं और चलिए जानते हैं कि सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में क्या होने वाला है। तुम्हारे अबू के आने से पहले हम आखिरी बार तुमसे पूछना चाहते हैं कभी, क्या दिल से तुमने जारा से अलग होने का फैसला कर लिया है? ये आखिरी मौका है। बुला के लिए हाँ करने के बाद तुम और सारा हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाओ। सॉरी, मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक नहीं है, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। मैं बहुत तेज़ नहीं बोल सकती, ऐसे फट रही है। सो सॉरी, आई एम नॉट वेल। लेकिन खुला इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि एक साल का अंतर आ गया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कबीर को आज़ादी की ज़रूरत है। अगर वो मुझसे कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी मोहब्बत करता तो मुझे एक बार देखने तो आता, मुझसे मिलने तो आता, लेकिन वो नहीं आया। इसका मतलब प्यार नहीं रहा है। और मैं कबीर से, अगर आप कल थे तो मैं कबीर से मिली और उसे पता नहीं था मैं ही हूँ। तो मुझसे बोलता है कि अपने शौहर को अगर आज़ादी देने से खुश देखना चाहते हैं तो आपको उसे खुला दे देना चाहिए। तो मुझे लगा कि शायद यही मुझे अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया है और उसको खुला देना ही सही ऑप्शन है। लेकिन यहाँ मौलवी साहब का भी जो वो आपको एक महीने की मोहलत दे रहे हैं, उनके जो कंडीशन है कि आप दोनों को फिर एक साथ रहना होगा, तब जाकर ये देखिए। मेरा मानना है कोई भी रिलेशनशिप ख़त्म करना एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन होती है। सो पूरा एक फाइनल स्टेप लेने से पहले हर किसी को एक चांस मिलना चाहिए। यू नो, यू नेवर नो कि थिंग्स वर्कआउट कर जाए। बिकॉज जब दो लोग अलग होते हैं तो दो लोगों के साथ दो फैमिलीज भी जुड़ी होती हैं, वो भी अलग होती हैं। सो जस्ट टू गेट अ लास्ट चांस कि मे बी थिंग्स विल वर्कआउट, तो इसलिए एक महीने का पीरियड दिया जाता है कि हो सकता है दोनों साथ में रहें तो बॉन्ड बन जाए। वो सारी गलत फहमियाँ जो हुई एक साल में, या जो भी नफ़रत थी थोड़ी बहुत, वैसे थी नहीं ज़रा कबीर के बीच, जस्ट पुटिंग ऑन अ फिल्टर की नफ़रत थी, वो सब कम हो जाए। तो एक महीने साथ रहेंगे लेकिन मुझे लगता है नज़रिए तब भी अलग ही रहेंगे, तो क्या होगा मैं नहीं जानती। लेकिन मुझे लगता है कि अभी शायद खुला दे देना ही सही बात है। ऑनेस्टली सारा ने कहीं ना कहीं ठान लिया कि शायद कबीर को इस रिश्ते से आज़ाद करना सही है, मेरे लिए भी सही है। बहुत बहुत दर्द है अंदर, लेकिन कई बार आपको एक फ़ाइनल स्टेप लेना होता है कि आप भी उस दर्द से थोड़ा आगे जाओ और जो सामने वाला सफ़र कर रहा है या नहीं कर रहा है वो भी फ्री हो जाए। बिकॉज मुझे लगता है कि शायद कबीर के दिल में मोहब्बत ख़त्म हो गई है और मैं अभी भी उससे इतनी मोहब्बत करती हूँ, शायद कबीर भी करता है लेकिन वो शो नहीं कर रहा। तो अगर हम साथ रहेंगे भी तो हमेशा नजरिए को लेकर लड़ाई होगी, तो इस टाइम मुझे यही सही लग रहा है कि खुला हो जाए और ख़त्म करते हैं इसे। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।